आज जाना हुआ है जी, उसे पता जाना। वही जो सरदार रेशम सिंह के साथ पीलीभीत पुलिस ने जो बर्बरता की थी, उस संबंध में एक्स आर्मी का प्रतिनिधि मंडल व संस्था का प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आज आईजी साहब से मिलने आए थे कि उस प्रकरण में कार्रवाई कहाँ तक आगे गई है। तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद जो भी होगा वो सामने आएगा। कितने दिन का लगभग टाइम दिया? वैसे एडीजी सर ने जो बताया था वो 15 जुलाई तक का बताया था, लेकिन आईजी साहब कह रहे हैं उससे ज़्यादा भी लग सकता है। कोई उन्होंने निश्चित डेट तो नहीं बताई है, लेकिन उनका जल्द से जल्द करने का प्रयास होगा। टाइम ज़्यादा जो मांग रहे हैं क्या सही रहेगा ये? नहीं, कुछ प्रक्रियाओं के लिए टाइम देना तो खैर पुलिस प्रक्रिया में देना पड़ता है, जिससे कि जाँच निष्पक्ष हो। और ये जाँच का विषय है और इस पर जो है पुलिस प्रक्रिया पर हम लोग कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा लंबा खींचा जाता है तो फिर वो प्रक्रिया निष्पक्ष ना मानी जाएगी और फिर उसमें वो दूषितपन कहा जाएगा। इसके अलावा और भी कोई मामला था? इसके अलावा वहाँ का मामला था नवाबगंज ग्राम रिछोला के जो नारायण दास जी आए, जिनकी नाबालिग बेटी को अगवा करके ले गए थे जो आरोपी, उनके खिलाफ अभी तक कोई पुलिस का लड़कों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उनके ऊपर संगीन धाराएं लिखी हुई हैं मुकदमा। तो उस संबंध में भी आईजी साहब को बताया है तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं, उसको समीक्षा के लिए उन्होंने भेज दिया। ये दो मामले थे और इसके अलावा? और तीसरा एक और मामला था, एक एक्स आर्मी पर्सन है, उनका भी नाम श्री नारायण दास है, तो उनकी 18 वर्षीय बेटी 6 महीने हो गए थाना बारादरी क्षेत्र से गायब है, लेकिन अभी तक पुलिस ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है और उस लड़की का कोई भी सुराग नहीं लगा है, यानी कि पुलिस उसमें निष्क्रिय पड़ी रही। तो आज आईजी साहब को भी एक एप्लीकेशन सौंपी गई है जिस पर उन्होंने आदेश दिया है एसपी साहब को कि इसकी इसको देखें इस मामले में।